गुड इवनिंग स्टूडेंट. सो टुडे वी हैव अ टॉपिक टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स. एंड द क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव 1/1 प्लस कॉट एक्स डीएल. सो नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स. सो हाउ कैन यू फाइंड द इंटीग्रेशन एंड द वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस is. So first of all we have this is 1, this 1, and this cot x can be written as this is cos x upon sin x. Okay guys, and this is dx. So now if you are taking LCM of this, then you have sin x and then dx upon that is sin x plus cos x and then dx you have. Now what we can do, that you are going to multiply and divide with 2. So that is 1/2. You are going to multiply and divide with 2 here. यानी 2 से आप multiply कर देंगे और 2 से आप क्या कर देंगे? That is divide कर देंगे. Then you have sin x plus cos x. Okay guys. Now this can be written as, this is 1/2. This 2 sin x can be written as sin x plus sin x and then dx. Okay. And upon you have sin x plus cos x. Okay guys, now this can be written as, अब आप इसको लिख सकते हैं कैसे, अब आप इसको लिखेंगे this is 1/2. So this 2 sin x plus sin x. Now we are going to add cos x and subtract cos x from, यहां से आप क्या करेंगे, cos x add भी कर देंगे और cos x क्या कर देंगे इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. अभी इसको रफ कर देते हैं, अभी कराएंगे इस क्वेश्चन को आपको. तो दिस इज 1/2. नाउ दिस इज न्यूमिनेटर में दिस इज साइन एक्स प्लस साइन एक्स. सो यू आर गोइंग टू एड कॉस एक्स हियर एंड माइनस कॉस एक्स अपॉन यू हैव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स. सो दिस इज 1/2. And this can be written as, इसको आप ऐसे लिखेंगे sin x plus cos x upon sin x plus cos x. Okay guys, and this can be written as, इसको ऐसे लिखेंगे आप cos x, एक ये sin x और ये cos x लिख लिया, then एक लिखेंगे आप this is sin x minus cos x upon sin x प्लस कॉस एक्स एंड द होल यू हैव डी एक्स यू हैव. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन हैज, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये 1/2 भारी रहने दीजिए और इसको ऐसे लिखेंगे दिस इज, यहाँ बचेगा 1 dx. इसको लिखा आपने 1 dx एंड दिस इज यू हैव, ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन डी एक्स. ओके, नाउ दिस इज वी हैव, नाउ इफ यू आर गोइंग टू, यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स. ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू एज्यूमिंग दिस एज टी. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे. तो ये रिप्लेस हो जाएगा, इफ यू आर एज्यूमिंग टी, आपने कितना ले लिया, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो आपने टी एज्यूम कर लिया, that is dt by dx is. So what is the differentiation of the sin x? So the differentiation of sin x is cos x. Okay guys, and the differentiation of cos x is minus sin x. So this can be written as, इसको लिख सकते हैं आप dt is equal to cos x minus sin x and this is dx you have. Okay, now replace. अब आप इसको replace कर देंगे, तो अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो गया हमारे पास दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1 का हमारे पास कितना आ गया था, दैट इज x एंड दिस इज cos x माइनस sin x. सो इफ यू आर टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम हियर, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x एंड cos x माइनस sin x dx इज रिप्लेस बाय dt. So therefore, ये कितना हो जाएगा, that is, this is going to replace by minus dt and this is you have, now we are going to assume this as t. आपने इसको क्या assume करा है, t assume करा है, so therefore this is, ये कितना हो जाएगा, that is t हो जाएगा. Okay guys,
So this is, now we know that 1 upon 2 and this is x, and then what about the integration of 1 upon t dt? So we know that the integration of 1 upon t dt is log t. So the integration of this is log t, and we know that this is the indefinite integral. So we are taking constant of integration c here also. So finally you have 1 by 2, this is x and this is log, and the value of t. So value of t you have sin x plus cos x, okay guys, and plus constant of integration, which is our answer for this question. Now the second question we have. So the second question we have, typical example integration series number 1, video series number 1. The second question we have, x cube sin 10 inverse x raised to the power 4 upon 1 plus x raised to the power 8 and dx. Okay guys, so ये दिखता टिपिकल है बट है बहुत आसान क्वेश्चन. तो आप क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे. दिस इज t बराबर, आपने किसको एज्यूम कर लिया, दैट इज 10 इनवर्स x कोर को आपने क्या एज्यूम कर लिया, दैट इज t एज्यूम कर लिया. सो इंटीग्रेटिंग दिस, सो dt बाय dx, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10 x, 10 इनवर्स x. सो वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. So therefore this is 1 upon x ki power 4 ka whole square, and then d by dx of x raised to the power 4 ka aapko dobara kya karna padega, differentiation karna padega kyunki extra function hai. So therefore ye ho jayega x ki power 4 hai yahan par hai, to ye ho jayega, this is 1 upon 1 plus x raised to the power 8, okay guys, 1 upon 1 plus x raised to the power 8, and d by dx of x 4 kitna ho jayega aapke paas, that is 4x cube हो जाएगा. So 4x cube हो जाएगा. So we want to find the value of, so अगर आप इसको देखें, इस पे देखें, तो ये x cube और 1 plus x की power 8 को आप replace कर सकते हो. x cube 1 plus x की power 8 और ये 4 आगे लिख दीजिए, and this is dt by dx you have. So ये इधर चला जाएगा. So this is dt by 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 एंड दिस इज dx. ओके गाइस, यानी इसकी वैल्यू को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट यू कैन रिप्लेस बाय dt बाय 4, यानी एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt बाय 4. ओके गाइस, यानी इसको ऐसा लिखें आप, sin ये कितना हो जाएगा, sin इसको हमने t माना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, sin t x cube 1 plus x की पावर 8 और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज dt बाय 4. तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin t, सो वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस cos t. ओके गाइस, एंड 4 ऑलरेडी यू हैव, 4 ऑलरेडी यू हैव, ये कांस्टेंट है तो इसका होगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 4 sin t dt का. तो sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, अगेन दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, सो वी आर यूजिंग हियर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, सो इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, देन यू हैव, इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ t, सो द वैल्यू ऑफ t यू हैव माइनस cos t, t यू हैव tan इनवर्स x raised to the power 4, and this is 4 plus constant of integration c you have. Okay guys, so therefore this is answer we have of this question. So next question we have.